नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि चीनी जो होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या कौन कौन से न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे 100 ग्राम चीनी लेते हैं तो चीनी में 386 कैलोरी ऊर्जा होती है, और वसा तो इसमें कोई भी नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सोडियम 1 मिलीग्राम होता है, पोटेशियम 2 मिलीग्राम होता है, कुल कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम होता है, और फाइबर इसमें नहीं होती है, शुगर तो 100 ग्राम ही होता है, प्रोटीन भी नहीं होती इसमें, विटामिन ए भी नहीं होती है, कैल्शियम 1 मिलीग्राम होता है, विटामिन डी 0 होती है, और विटामिन B12 भी नहीं होती है इसमें, केवल आयरन होता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। और इतना मतलब चीनी में कुछ भी नहीं होता है। अब अगले वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि गुड़ में क्या क्या होता है, ये अभी मैं बताना चाहूँगा। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद।